वैश्विक महामारी कोविड-19 जहां समूचे विश्व की गली की फांस बना हुआ है, वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में इस संकट की घड़ी में कुछ उम्मीद की किरण भी देखने को मिली है। गौरतलब है कि गांव समाना बाहु निवासी कपिल शर्मा घर बार छोड़ किन्हीं कारणों से साधु बन गए और उनका नाम मुगल प्रीत पंडित नाथ हो गया। लेकिन 4 साल बाद उन्होंने राधा स्वामी सत्संग की विचारधारा से प्रभावित होकर फिर से ग्रस्त जीवन की शुरुआत करने का फैसला लिया है। जब इस बारे में राधा स्वामी सत्संग घर में रह रहे कपिल शर्मा से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि पहले वो अपने घर को छोड़कर साधु बन गए थे। वहीं इस लॉकडाउन के दौरान राधा स्वामी सत्संग घर ब्यास आया तो सत्संग सुन इस कदर प्रभावित हुआ और उसका जीवन बदल गया। फिर उसके अपने भाइयों और बहन से बातचीत कर उसका मन बदल गया। बहुत कड़ा अनुभव है, कोई बात करने से पहले पूर्ण हो जाए उस जैसी बात नहीं। मैंने तो इसकी बहुत अलग लीला देखी भगवान की, जिसे कहेंगे कि हाँ यहाँ पर सेवा भी है, भाव भी है। कभी हमको ये नहीं बोला कि चल चल जाके अपने आसन पर बैठ, जो मुझसे बोला वही मिला, चाहे साबुन बोलो, टूथपेस्ट बोलो या कुछ भी। अर्जी लगाई हो किसी गेम की कि लूडो चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो हमें दिया और साथ में प्रेम भी दिया कि हमें अपने बच्चों जैसा रखा। तो अगला जीवन आप कैसा जीना चाहेंगे? अगला जीवन ग्रस्त का बन के जीना चाहूँगा और चाहूँ तो मालिक का ही बन के रहना चाहूँगा। सेवा करना चाहूँगा, सेवा में राधा स्वामी सत्संग नियर बाय आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी। वहीं कपिल शर्मा के मुताबिक बाबा की जिंदगी बच्चों का खेल नहीं होती, कभी भोजन नहीं मिलता तो कभी पानी नसीब नहीं होता और कई बार तो इतना भोजन मिल जाता है कि खाया नहीं जाता। कपिल ने भी इस मौके पर भगवान से ये कामना भी की है कि अब उसे साधु बनने का मौका कभी ना मिले। सत्य खबर के लिए कुरुक्षेत्र से भारत साबरे की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।